तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनिमे में बाय मनीष पर। मेरा नाम है मनीष और आज हम फिलर फ्रेम के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेमोरी डंजन से जब बाहर आता है तब वो एक लड़की की जान बचाता है जंगल के अंदर में, जिसके पीछे चार लोग पड़े रहते हैं जो कि काफी खूंखार हंटर्स होते हैं, और वो लड़की का नाम रहता है सेरेस एशरीन। उन हंटर को खत्म करने के बाद में जब मेमोरी सेरेस एशरीन के पास में जाता है तो उससे तहकीकात करता है इस पूरी जगह के बारे में, और वो उसे बहुत कुछ बताती है। जिसके बाद मेमोरी जो है ना उससे कुछ मैजिक स्पेल के बारे में पूछता है जो उसे डंजन में मिले थे, जिसके बाद में सेरेस एशरीन बताती है कि उसे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है पर वो किसी को जानती है जिसे पता है। फिर मेमोरी उस मैजिशियन को ढूंढने निकल जाता है जिसको इस मैजिकल स्पेल के बारे में पता होता है। अब आगे तो यहाँ एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मेमोरी जो है ना मिल सिटी के अंदर में पहुंच चुका है। मेमोरी को चाहिए शहर में रुकने के लिए एक रूम, और जब वो रूम ढूंढने जाता है तब उसे एक ऐसा रिसेप्शनिस्ट मिलता है ना उस होटल का जो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। उसके शक्ल में लिखा रहता है कि वो पैसों का भूखा है। तो मेमोरी जो है ना उससे बोलता है कि अच्छा सा कमरा दिखाओ। पहले वो तो मना कर रहा होता है कमरा नहीं है, फिर जब मेमोरी पैसे दिखाता है ना वो मान जाता है और वो उसे रूम दे देता है। अब रूम मिलने के बाद में मेमोरी जो है ना शहर के राउंड मारने निकलता है रात को, और वो देख रहा होता है कि यार यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे वेस्टर्न स्टाइल में शॉप्स हैं, और इस पूरे के पूरे शहर का जो डिजाइन है ना वो काफी हद तक वेस्टर्न स्टाइल में ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमोरी जो है ना वो खाना खाने के लिए रुका हुआ एक होटल के अंदर में, और वहां पर सभी एडवेंचरर्स खाना खा रहे होते हैं। आसपास की बातें बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, जहां पर एक ग्रुप जो है ना वो बात कर रहा होता है एक नाइट के बारे में और बता रहा होता है कि इस कंट्री के अंदर में ऐसे ऐसे नाइट्स है ना जो एक आर्मी के बराबर है, और वो इतने ज्यादा पावरफुल है ना कि उनका मुकाबला डीमन से भी करा दिया जाए ना तो वो उन डीमन्स के बराबर ही पावरफुल है। और वो एक सिल्वर वुल्फ नाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो मैग्नर किंगडम के होते हैं जो नॉर्थ के साइड में मौजूद है, और वो काफी सारे नाइट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें उन सभी नाइट्स पर काफी ज्यादा गर्व होता है। और उसी वक्त उनके सर के ऊपर में से बहुत सारे नाइट्स आ रहे होते हैं ड्रैगन के ऊपर में सवारी करते हुए, और वो जो नाइट्स होते हैं वो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स होते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि वो हीरो को भी किल कर सकते हैं उनके वहां के। फिर मेमोरी अपने कमरे के अंदर में चला जाता है खाना लेके, और वो अपने स्लैम को खाने खिलाता है, और फिर मेमोरी सोच रहा होता है कि मुझे फॉरबिडन विस्ट से मिलना पड़ेगा गोल्डन डीमन जोन के अंदर में, उसके लिए उसे जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि वो जल्द से जल्द चाहता है कि वो स्पेल के बारे में जाने। इतने में मेमोरी सोचता है कि अपने स्लैम को भी मैं ताकतवर बनाता हूँ, और उसने अपनी बुक में पढ़ा था स्पेल वाली बुक में जो उसे डंजन में मिली थी कि स्लैम को पावरफुल बनाने के लिए कुछ एलिमेंट चाहिए होते हैं, और वो उसे मिल सकता है डंजन के अंदर में जो कि उस शहर में मौजूद है। और अभी हाल फिलहाल में पूरे शहर में न्यूज फैल रखी है कि अभी अभी एक डंजन अपीयर हुआ है जिसकी एक लेयर जो है ना अभी अननोन है, जिसके लिए काफी सारे एडवेंचर्स भी रेडी है उसे रेड मारने के लिए। इतने में मेमोरी भी सोचता है कि अगर उस डंजन के अंदर में स्केलेटन किंग की हड्डी भी होगी तो मैं उससे एक स्ट्रेंथनिंग एजेंट बना सकता हूँ जिससे मैं अपने स्लाइम को ताकतवर बना सकता हूँ। तो इसी चीज के चक्कर में वो रेड मारने के लिए जा रहा होता है उस डंजन के अंदर में। अगले दिन का हम सीन देखते हैं, यहाँ पर सामने में उस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन खड़ा रहता है, बिजनेसमैन कह रहो या लॉर्ड कह रहो, वो बता रहा होता है कि आप सभी का शुक्रिया यहाँ पर आने का, आप इस डंजन के अंदर में जाइए और नए लेयर को सर्च करिए, और वहां पर आपको जो भी कीमती चीज मिलेगी मैं उसके आपको बहुत ही अच्छे दाम दूंगा, और आपको जो भी रखना होगा उसके लिए भी मैं आपको कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, आप उस डंजन में मिली हुई चीज को आराम से रख सकते हैं। फिर मेमोरी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि मैं उस स्केलेटन की बोन को रख सकता हूँ। फिर सभी एडवेंचरर्स जो है ना वो लाइन बनाते हैं और मेमोरी भी उस लाइन में खड़ा रहता है। यहाँ पर एक बंदा जो है वो लाइन में खड़ी हुई एक लड़की को बोलता है कि तुम जानी बचानी से लग रही हो, तुम्हारी वॉइस भी जानी बचानी से लग रही है, तुम सेरेस एशरीन हो ना। मैं आपको बता दूं सेरेस एशरीन वही है जो पिछले एपिसोड में मेमोरी को जंगल में मिली थी, और सेरेस एशरीन के बारे में यहाँ पर अफवाह फैल जाती है। सभी लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं और बोले होते कि वो तो एक एल्फ है ना, और वो एक फॉर्मर नाइट लीडर भी है, और ये जो बंदा है ना वो उस लड़की से कह रहा होता है कि मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ तो मुझे पता है कि वो कैसे दिखती है, मैंने उसे डिनर पर बुलवाया था पर उसने मना तो किया पर साथ में मेरी बेइज्जती भी करी, और उसी चीज की वजह से वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सेरेस एशरीन को ना काफी सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं, और वो एक वांटेड क्रिमिनल होती है और उसके ऊपर में काफी सारा इनाम भी रहता है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं सेरेस एशरीन नहीं हूं, तुमने किसी गलत लड़की को पकड़ लिया है, जिसके बाद में वो सामने वाला एडवेंचर कहता है कि नहीं मुझे पता है कि ये तुम ही हो, सभी को पता है कि सेरेस एशरीन एक एल्फ है और एक एल्फ के नुकीले कान होते हैं, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भी नुकीले कान होंगे, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता हूं। और ऐसा कहकर वो उसके सर के ऊपर में से कपड़ा हटा देता है, पर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस लड़की एल्फ वाले कान नहीं होते हैं और वो एक्चुअल में एक ह्यूमन लग रही होती है। और ये देखने के बाद वो एडवेंचर पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम सेरेस एशरीन नहीं है, और वो बंदक भी शौक में रहता है। फिर वहां मौजूद सभी लोग कह रहे होते हैं कि यार ये तो सच में वो नहीं निकली। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमोरी जो है अपना नाम लिखा के वहां से चला आता है, और वो घूम रहा होता है एक नदी के किनारे पे, और उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो जाती है जिससे भी वो एडवेंचरर लड़ाई कर रहा था। फिर मेमोरी जो है ना उस लड़की से बच के आगे जा रहा होता है, पर वो लड़की उसे आवाज लगाती है और बोलती है कि क्या तुम भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हो। फिर मेमोरी बोलता है कि उस लाइन में उस एडवेंचर ने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया, जिसके बाद में वो लड़की कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेमोरी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें काफी लोग पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और फिर वो लड़की बताती है कि हाँ मेरे साथ में हमेशा ऐसे ही होता है, काफी लोग मुझे डिसलाइक करते हैं पर उसके बावजूद मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेमोरी उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो, क्या तुम मेरी मदद करोगी, जिसके बाद में वो लड़की कहती है कि हाँ तुम एडवाइस चाहते हो ना
मेरे से कि तुम्हें डंजन में रेड करने के लिए कौन कौन से नेसेसरी टूल्स चाहिए, जिसके बाद मेमोरी कहता है कि हाँ। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर यहाँ पर मुझे भी एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास में ट्रेवल करने के लिए जो पैसे थे ना अब खत्म हो चुके हैं, मेरे को पैसों की काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, तो इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है और बोलती है मिस्टर बर्कस। फिर मेमोरी अपना नाम बताता है हार्टी स्कोल। फिर मेमोरी समझ जाता है कि इस लड़की को समझ में आ गया है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उसके बाद में मेमोरी कहता है कि मेरा नाम कुछ और है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा असली नाम सामने में आए, और हमें एक दूसरे के पछड़े में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ना तुम मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करोगी, ना मैं तुम्हारे बारे में, तो ये डील ठीक है? वो बोलती है हाँ। इतने में हम देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा मदद करती है मेमोरी की सामान खरीदने में, और वो पैसों को भी काफी ज्यादा कम करवा देती है काफी सारे शॉप्स में। फिर मेमोरी जो है उसके हिस्से के पैसे उसे देता है, जिसके बाद में वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं। मेमोरी कहता है कि रख लो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा हक है, इतने ही पैसे तुम्हें मिलने चाहिए। इतने में जो लड़की ना नीचे गिर जाती है सर पकड़ के, क्योंकि वो काफी टाइम से सोई नहीं होती है और उसे सोने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है किसी रीजन की वजह से। फिर वो तुरंत वहां से चली जाती है, और फिर मेमोरी जो है ना अपने स्लैम से कहता है कि अब हमें कहां पे जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमोरी जो है ना डंजन एक्सप्लोर करने आ चुका है, और वहां पर उसे एक मिनिएचर मेंटोर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, पर उसके बावजूद भी मेमोरी उसे खत्म कर देता है अपने पैरालाइज और पॉइजन स्किल की मदद से। मेमोरी डंजन के अंदर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, पर पीछे से जो एडवेंचर आ रहे होते हैं वो उस मॉन्स्टर को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर के ऊपर में किसी ने ना तलवार से हमला किया होता है ना किसी और चीज से, वो मॉन्स्टर सिर्फ मरा पड़ा रहता है। और ये चीज सबके लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये मॉन्स्टर मरा तो मरा कैसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमोरी बोल रहा होता है कि यार यहाँ के मॉन्स्टर तो ज्यादा खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो अपना स्टेटस देखता है जो कि काफी ज्यादा हाई होता है। डंजन के अंदर में जब मेमोरी घूम रहा होता है ना, तो वहां पर तीन एडवेंचरर्स जो है ना आपस में बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हमें वही बंदा देखने को मिलता है जो उस लाइन में उस लड़की को छेड़ रहा था। और वो जो एडवेंचरर है ना बाकी एडवेंचरर्स से कह रहा होता है कि मुझे उस लड़की को जान से मारना है और मैं उसे डीमन को खिला दूंगा। जिसके बाद में वो दो एडवेंचरर कह रहे होते हैं कि नहीं, हम उसे नहीं मार सकते, पहले हम उसके साथ में थोड़े से मजे लेंगे फिर हम उसे मारेंगे। जिसके बाद में वो एडवेंचरर कहता है कि नहीं, और मैं उसे डीमन को खिलाऊंगा, पर उससे पहले उसकी हड्डी पसली तोड़ के उसे ऐसी मौत दूंगा जो वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। फिर भी वो दोनों बंदे कह रहे होते हैं कि उससे पहले हम कुछ करना चाहते हैं। जिसके बाद में वो एडवेंचरर कहता है कि करो जो भी करना है, पर मैं उसको डीमन को ही खिलाऊंगा। और जब वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, ये सारी बातें जो है मेमोरी सुन रहा होता है, तो वहां पर चले जाता है, उनके सामने में आ जाता है। फिर उसको देखने के बाद में वो तीनों एडवेंचरर बोलते हैं कि अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर मेमोरी तो मेमोरी है, वो एक्टिंग करता है कि मुझे मत मारो, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। फिर वो एडवेंचर कहता है कि हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और वो उसके ऊपर में जानलेवा हमला करने जा रहे होते हैं, उसे जान से मारना चाह रहे होते हैं। इतने में मेमोरी जो है ना उन सभी को पैरालाइज कर देता है, और वो अपनी बॉडी बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे होते हैं, और उसके बाद में वो उससे पॉइजन देके जान से मार देता है। फिर वो एडवेंचर कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद मेमोरी जोर जोर से हंसता बोलता है कि छोड़ेगा तब ना जब तू जिंदा रहेगा। फिर मेमोरी थोड़ा सा आगे जाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ मॉन्स्टर छोड़ रखे हैं, और फिर उनके ऊपर में मॉन्स्टर हमला करने आ जाते हैं और वो उनका खाना बन जाते हैं। जिसके बाद में मेमोरी जो है ना आगे जाता है, काफी सारे मॉन्स्टर को वो वैसे ही खत्म कर देता है पैरालाइज और पॉइजन का इस्तेमाल करके। और फिर वो एक रूम के अंदर में जाता है और वहां पर कुछ घंटों के लिए सो जाता है, और अपने स्लैम से कहता है कि तुम यहाँ पर चौकीदारी करना। स्लैम भी कहता है कि ठीक है। फिर मेमोरी कुछ घंटे बाद उठता है और बाहर जाता है, तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे एडवेंचरर्स हैं जो काफी ज्यादा शौक में रहते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है यहाँ पर चल गया रहा है, क्योंकि काफी सारे मॉन्स्टर जो है ना मरे पड़े रहते हैं, पर उनकी डेथ की वजह उन सभी एडवेंचरर्स को नहीं पता होती है। और ये चीज जो एडवेंचरर को समझ में नहीं आ रही होती, और वो मेमोरी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है इस बारे में। मेमोरी इस बात को छिपाना चाहता है, इसलिए कहता है कि मुझे भी नहीं पता है। जिसके बाद वो एडवेंचरर्स कहते हैं कि ठीक है अब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एडवेंचरर्स की सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं चाहते कि हमारे ग्रुप में से कोई भी मरे, और इसलिए हम इन मॉन्स्टर की डेथ की वजह जाने बिना बेवकूफ की तरह आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए हम जा रहे हैं। जिसके बाद में मेमोरी कहता है कि ठीक है। मेमोरी उनको बिना पता चले आगे बढ़ जाता है, और वो सबसे नीचे वाले डंजन के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसे ट्रेजर मिल जाता है। अब मेमोरी उस ट्रेजर के सामने में खड़ा एक पुतला देखता है, जो उसे समझ में आ जाता है कि ये इस पर हमला करेगा, तो वो क्या करता है कि उसे पैरालाइज कर देता है, फिर पॉइजन देके उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो कब से दिखने वाले ट्रेजर को उठाता है, और इतने में हम देखते हैं कि वहां पर मिस्ट बर्कर्स आ जाती है, और वो मेमोरी से कह रही होती है कि मुझे लगा था कि मैं यहां तक अकेले आऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझसे पहले कोई आ जाएगा। मेमोरी उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ ट्रेजर दे दूंगा। फिर वो लड़की कहती है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। मेमोरी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर फिर भी वो लड़की कहती है कि एज अ नाइट ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसके बदले में कुछ ना कुछ आपको दूं। मेमोरी जो है ना उस लास्ट लेवल के दरवाजे को खोल लेता है, और उसके नीचे भी एक और डंजन होता है जिसको मेमोरी एक्सप्लोर करना चाहता है। मेमोरी कहता है कि तुम इसे लेके जाओ, मुझे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो लड़की मना कर रही होती है, बोल रही होती है कि इसके बदले में कुछ ना कुछ मैं आपको देना चाहती हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि अगर आप नीचे जाने वाले तो मैं आपकी बॉडीगार्ड बन जाऊंगी और आपको किसी भी हार्म से बचाऊंगी। फिर मेमोरी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ में नीचे आओ, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी। फिर भी वो लड़की कहती है कि मैं आऊंगी, और मेमोरी बिल्कुल भी उसे मना नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद मेमोरी उसे कंडीशन देता है नीचे आने के, उसके साथ चलने के। वो कहता है कि अगर तुम ये कंडीशन मानोगी तभी तुम मेरे साथ में आ सकती हो। जिसके बाद लड़की कहती है कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरे पर्सनल सिचुएशन से दूर रहना है। हम दोनों जो है ना वो एक बिजनेस डील में है, जहां पर तुम मेरी एस्कॉर्ट हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूं। मुझे नहीं पता कि मैं इस डंजन से कब तक बाहर आऊंगा, क्या तुम्हें ये
भी मंजूर है क्योंकि तुम्हारी जान भी चली गई तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो कहती है कि अगर मेरी जान भी चली गई तो भी मैं आपकी जान बचाऊंगी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डंजन के नीचे में आ चुके हैं और वो लड़की जो है काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रही होती है, जिसकी वजह से मेमोरी को काफी एक्शन नहीं लेने पड़ रहे होते हैं। फिर मेमोरी उस लड़की से पूछता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ गोल्डन आई और अदर डीमंस के बारे में। फिर लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, गोल्डन आई वाले डीमन वो होते हैं जिनके अंदर में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं और उसे इंसान जो है ना आसानी से खत्म होने वाला डीमन समझते हैं, और वो हीरो उसके लिए लेवल अप करने का एक अच्छा तरीका है, खासकर वो हीरो जो अदर वर्ल्ड के हों। क्या तुम्हें कहानी पता है अदर वर्ल्ड के हीरोज के बारे में? मेमोरी कहता है कि थोड़ी सी। लड़की कहती है कि अदर वर्ल्ड के जो हीरोज होते हैं ना वो इंसानों को खत्म करके एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं, इसलिए उन्हें एक्सपीरियंस लेवल और अपनी स्किल बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर को खत्म करना पड़ता है। फिर मेमोरी को भी समझ में आता है कि उसकी स्किल क्यों बढ़ रही होती है इतनी ज्यादा। फिर मेमोरी पूछता है कि ये तो बात होगी गोल्डन आई डीमन के बारे में, अब मुझे बताओ जिनके पास में गोल्डन आई नहीं होती है उन डीमंस को यहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता है। जिसके बाद में लड़की कहती है कि कुछ डीमंस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के साथ में अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं। मेमोरी जो है ना वो अपने स्लैम को दिखता है। फिर लड़की बताती है कि लेजेंड में कहा गया है कि एक स्पेशल मैजिक एलिमेंट भी एग्जिस्ट किया करता है जो कि ग्रेट डीमन एम्परर के द्वारा निकाला गया था, और वो सभी के सभी बुराइयों की जड़ है, और जो भी उस चीज से अफेक्ट होता है ना वो एक गोल्डन आई डीमन बन जाता है। फिर मेमोरी सोचने लग जाता है कि गोल्डन आई डीमन और गोल्डन हीरो में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज लग रही हैं, ये कुछ बुरा सा लग रहा है मुझे। फिर मेमोरी जो है ना वो एक कमरा ढूंढ लेता है उस डंजन के अंदर में जहां पर वो आराम करने की सोच रहा होता है, जिसके बाद में लड़की कहती है कि यहां पर मैं पैरा दूंगी। फिर मेमोरी जो है ना अपने मॉन्स्टर साथी को दिखाता है और बोलता है ये पिगीमारू है वो जो कि एक स्लाइम है। फिर लड़की कहती है कि तो बहुत प्यारा है, और वो उसको सर पिगीमारू कहती है कि बहुत ही प्यारा स्लाइम है तुम्हारा। मेमोरी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पैरा देने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा आराम कर सकती हो। पहले तो लड़की मना करती है, बाद में मेमोरी उसे किसी तरह मना लेता है, और जब वो लेटती है तो मेमोरी स्लीपिंग स्पेल का इस्तेमाल करके उसे सुला देता है क्योंकि वो काफी टाइम से अच्छे से नहीं सोई होती, उसकी आंख के नीचे में डार्क सर्कल भी पड़ रहे होते हैं, और जब वो सो रही होती ना तो उसकी असली पहचान भी सामने में आ जाती है। वो असल में सेरेस एशिन निकलती है, वही एल्फ जिसे सारे गांव वाले ढूंढ रहे होते हैं और वो वांटेड होती है। तो यहां से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जंगल के अंदर में वही नाइट्स मौजूद है जो कुछ टाइम पहले ड्रैगन के ऊपर उड़ रहे थे, और वो जंगल के नीचे में आके देख रहे होते हैं कि यहां पर काफी एडवेंचर्स गायब हो चुके हैं, और जिस किसी ने भी इन्हें मारा ना ऐसे मारा है कि इनकी मौत एकदम से हो गई है, और उसके पास में एक बहुत पावरफुल स्किल है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाया है। जिसके बाद में नाइट कहता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये तो। और फिर यहीं पर वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूले ताकि हमारे अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक के लिए देखते रहिए एनिमे फिल्म में मनीष। Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that